राष्ट्रपति बनने के बाद द्रौपदी मुर्मू कल पहली बार मध्य प्रदेश के दौरे पर आएंगी। मंगलवार दोपहर 2 बजे वे शहडोल पहुंचेंगी। जनजाति गौरव दिवस के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शामिल होंगी। 3 महीने पहले द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनने के बाद समर्थन मांगने के लिए भोपाल आई थी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कल ही उनसे फोन पर शहडोल के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अनुरोध किया और राष्ट्रपति की सहमति मिलने के चंद मिनटों में ही सीएम ने शहडोल का कार्यक्रम तय कर दिया। रविवार के सारे कार्यक्रम कैंसिल कर सीएम शहडोल पहुंचे और जनजाति गौरव दिवस के कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर अफसरों को दिशा निर्देश दिए। शहडोल में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में प्रदेश के 11 जिलों से 1 लाख से अधिक आदिवासी परिवारों को बुलाया गया है। इस कार्यक्रम को लेकर बड़े स्तर से तैयारियां की जा रही हैं। मालूम हो कि बिरसा मुंडा जयंती को जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और शहडोल में इसको लेकर राज्य स्तरीय कार्यक्रम की तैयारियाँ की गई हैं। लालपुर हवाई पट्टी की मैदान में कार्यक्रम की गई तैयारियां की जा रही हैं और यह कार्यक्रम 15 नवंबर को दोपहर 2 बजे से होगा। शहडोल के कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ राज्यपाल मंगू भाई पटेल, सीएम शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा, केंद्रीय इस्पात एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते मौजूद रहेंगे। इसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से जनजाति कार्य मंत्री मीना सिंह मांडवे, वन मंत्री विजय शाह, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री बिसाहू लाल सिंह, पशुपालन मंत्री प्रेम सिंह पटेल और शहडोल के सांसद हिमाद्री सिंह मौजूद रहेंगी। इतने सुंदर सुंदर गहने हैं लाए दुल्हन के रूप में 4 चांद लगाए। रिश्ते को और गहरा बनाए समदड़िया आभूषण का जादू है छाए।